इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम धार भोजशाला कमालमोला मस्जिद में बीते 22 मार्च से वैज्ञानिक सर्वे कर रही है, जिसका आज 45वां दिन है। आज भोजशाला में सर्वे के लिए 21 अधिकारी और 36 मजदूर पहुंचे। सर्वे में शामिल हो पहुंचे हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने कहा, कल गर्भगृह में बिल्डिंग के दक्षिण और पश्चिम में सर्वे हुआ। पश्चिम में खेत में जो पॉइंट बनाया है वहाँ 5-6 फीट मिट्टी हटाई गई है। कमालमोला दरगाह परिसर में जो शिलालेख है उसकी जांच कर प्रिंट आउट निकल आया है। GPR मशीन आने के बाद सर्वे के काम में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले माह की 22 तारीख से यह सर्वे प्रारंभ हुआ है, जो आने वाली 4 जुलाई तक यह चलने वाला है। इसमें आज 45वां दिन है। आज 22 अधिकारी और 36 लेबर आज 21 अधिकारी पहुँचे अंदर और सर्वे प्रारंभ हो चुका है। कल जो सर्वे हुआ था वो गर्भगृह में बिल्डिंग की दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। साथ ही जो खेत में नया पानी निकाला था उसमें भी 5-6 फीट मिट्टी हटा दी गई है। साथ ही जो कमालमोला दरगाह में जो उर्दू के और अरबी के शिलालेख हैं, कल एक जो टीम आई थी उन्होंने उसकी प्रिंट आउट निकाली है। दिन भर उसका काम चला है और कार्यगति पर आने वाले समय में मशीनों की इंतजार है। UPS से जितना मशीन आएगी तो आगे की गति में काम में गति मिलेगी। भैया पिछले 45 दिन के सर्वे में क्या लगता है, क्या कुछ विशेष चीज़ें कुछ विशेष तरह की? नहीं, 45 सर्वे जो मिला वो सब पिछले दिनों बता ही चुके हैं सब, कि वो जो साग से निकले हैं सारे बताते हैं कि ये मंदिर था, मंदिर है। ठीक है, गोपाल शर्मा संयोजक भोजशाला मुख्य। सर्वे में शामिल होने पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि सर्वे में अब तक जो भी टीमें आई है उन्होंने जांच कर रिपोर्ट तैयार की है, जो गोपनीय है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। भोजशाला को एक बार फिर उन्होंने मिस्ट्री बताया और कहा कि SI की टीम सर्वे का समय बढ़ाते बढ़ाते पूरे धार की खुदाई कर देगी, शायद उन्हें कहीं भोजशाला मिल जाए। हालांकि यह भी कहा कि मैं अब तक के हुए सर्वे से संतुष्ट हूं। वहीं SI पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं करने का आरोप भी लगाया गया और कहा कि SI सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, साथ ही SI हमारी नहीं सुन रही है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। बस अब तक जो टीमें आई है और जिन्होंने अपना अपना वर्क किया है वो अपनी नजरिए से तरीके से इस मॉन्यूमेंट को देख चुकी है, आसपास के परिसर को देख चुकी है और जो खुदाई चल रही है उसमें भी जो चीज़ें निकली है वो भी वो देख चुकी है और जो भी इंस्क्रिप्शन है उर्दू अरबी फारसी में और संस्कृत में वो भी सब पढ़े जा चुके हैं और अभी भी टीम जो आई हुई है वो भी पढ़ रही है और उसको समझ रही है और उसका जो अनुवाद है वो भी करके अपनी रिपोर्ट में वो उनके तरीके से सबमिट करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय उसमें जो भी गाइडेंस देगा आगे वो उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट जा करके गुप्त तरीके से वहाँ पर पेश होगी और माननीय उच्चतम न्यायालय उसमें क्या गाइडलाइन और क्या गाइडेंस के तहत आर्डर करता है वो देखने लगेगा। अभी तक के सर्वे से क्या लगता है, किस तरह की? देखिए अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उन्होंने 8 हफ्ते की मांग की, आने वाले आगामी दिनों में वो 4-5 हफ्ते 8 हफ्ते से बढ़ाते बढ़ाते लगभग पूरी धार में खुदाई करेंगे और उसके बाद भी अगर कहीं जो भोजशाला में कह रहा हूँ जो मिस्ट्री थी वो हो सकता है कभी ढूंढ ले तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडेंस की अवहेलना कर रहे हैं उस हिसाब से वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी। SI की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए SI की कार्रवाई से जो सर्वे चल रहा है उससे तो हम बिल्कुल सहयोग कर ही रहे हैं और संतुष्ट भी हैं, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडेंस की अवहेलना कर रहे हैं और वो जो उसको अनदेखा कर रहे हैं उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं और हमारी बात अभी तक SI के अधिकारियों द्वारा ना सुनी गई है ना मानी गई है, तो उसके अगेंस्ट भी हमने कोर्ट में हमारा तर्क रखा है। अब कोर्ट जो भी उसमें आदेश करेगी आगामी दिनों में वो सर्वमान्य होगा और उस हिसाब से सर्वे जो चलेगा वो भी सर्वमान्य होगा। नाम अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर था। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।